पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साक्षर्य आप सबको प्राप्त हो। में हमारे बीच में जो है फादरगण, भाइयों, बहनों और बच्चों, आज हम हमारी बहन वायलेट मिंच और हमारा भाई क्रिस्टोफर बेकर इनकी आत्मा के लिए शांति मांगने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम जानते हैं कि ऐसे हमारे बहन और भाई हैं, अपने इस संसारिक जीवन में उन्होंने विश्वास किया था, ईश्वर से विश्वास किया था, यीशु मसीह से विश्वास किया था और उस विश्वास में वो लोग अपने बड़े अपने जीवन व्यतीत किए और अंत में भी उन लोगों ने हमेशा अपना जो मृत्यु में भी उन्होंने अपना विश्वास को क्या किया, प्रकट किया। और इसीलिए जो हमारा विश्वास है कि जो विश्वास करते हैं वो कभी नहीं मरेंगे, जो विश्वास करते हैं वो पुनर्जीवित होंगे, जो विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पाएंगे, जो विश्वास करते हैं वो ईश्वर के साथ हमेशा विराजमान होंगे। ये हमारा विश्वास है, हमारा हम लोग सब विश्वास करते हैं कि हमारी बहन वायलेट और भाई क्रिस्टोफर ने ईश्वर के साथ विश्वास किया था। हम लोग विश्वास करते हैं कि वो अभी कहाँ है, ईश्वर के पास है, ईश्वर के राज्य में है, अनंत जीवन पा रहे हैं, अनंत शांति पा रहे हैं। अभी हम और एक बार हम लोग का हम लोग 26 दिसंबर 1968 ईस्वी में सत्यजन अस्पताल में हुआ था। इनके माता पिता सैम दास 12 और स्कॉलास्टिका 12 है। ये गुलाबगंज गांव से जो कि कंगोपति में पड़ता है वहां से दिल्ली में आए और वायलेट मिंच की जो प्रारंभिक शिक्षा होगी होली चाइल्डहुड स्कूल में दिल्ली में हुई थी और उसके बाद उनके जो कॉलेज की शिक्षा थी वो जीसस सेंट मेरी कॉलेज में हुई। उसके बाद वायलेट मिंच ने लेडी हार्डिंग नर्सिंग कॉलेज में उन्होंने नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए प्रवेश किया और ट्रेनिंग समाप्त करने के पश्चात इनकी नियुक्ति सत्यजन अस्पताल में 7 वर्ष के रूप में हुई। इनकी शादी कनेक्ट से 26 नवंबर 1994 में हुई। ईश्वर की कृपा से इन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, बड़ा एलन बिन और छोटा है एलन बिन। इनके कार्य को देखते हुए इनके पास इनके पदोन्नति हुई और इनके असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के रूप में इन्हें पदोन्नत किया गया। 2028 में उनका रिटायरमेंट होना था लेकिन उससे पहले ही 12 जुलाई 2021 में पोस्ट कोविड के प्रभाव से ईश्वर ने उन्हें अपने यहाँ बुला लिया। और जब हम उनके स्वभाव के बारे में देखते हैं उत्तर प्रकाश वाले तो स्वभाव से बहुत ही गंभीरता थे, हसमुख थे, सदैव दूसरों के बारे में सोचते दूसरों के मदद के लिए सदैव आगे आती थी और अपनी ड्यूटी बड़े की सतर्कता से करती थी। और इनके जब प्रेयर लाइफ है बहुत ही प्रेयरफुल थी और वो लोगों को प्रेरित करती थी कि वो प्रेयर में अपने जीवन में आध्यात्मिकता में आगे बढ़े। हम कई बार वो लोगों को प्रेरित करती थी कि लोग डिवाइन फैमिली लास्टों में जाकर उन्हें लेकर जाते थे ताकि वो एक आध्यात्मिक रूप से छोटा भाई हूँ तो इसके बारे में कुछ इसके जीवन के बारे में कहना चाहूँगा। क्रिस्टोफर एक्का स्वर्गीय क्रिस्टोफर एक्का का जन्म 16 दिसंबर 1968 ईस्वी में सिंगापुर पल्ली के
इसी पत्रक मुझे गांव के गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय का, माता का नाम स्वर्गीय किसी जाता जूलियस और सिसिलिया के लिए आज बेटे देखना है, तीन बेटे और चार बहने, और उनमें क्रिस्टोफर का स्थान छठवां था। क्रिस्टोफर की प्रारंभिक पढ़ाई गांव के नजदीक की टोबो स्कूल करते हैं वहाँ पर, और मिडिल स्कूल पारिस आर सी मिडिल स्कूल में हुआ, और हाई स्कूल की पढ़ाई उन्होंने रेखापुर पल्ली के जनता हाई स्कूल, और कॉलेज की पढ़ाई के लिए वे दुबला चले आए, और दुबला में काफीपुरा कॉलेज है वहाँ से उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, और पढ़ाई करने के बाद उनकी नौकरी 1997 में, और 1998 में मेरी मलेरिया से उनकी शादी हुई, और उनके दो पुत्र हैं, दो संतान हैं, पहली बेटी है जेन और छोटा जेकर, अभी जेन जो कर रही है, और जेकर अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं। इनकी मृत्यु 26 साल का, आज मुझे यहाँ पर आकर उनके नाम पर निशा बलिदान अर्पित करने में खुशी हो रही है। जब उनकी मृत्यु हुई तब मैं भाभी से फोन किया, और भाभी ने एक शब्द उनके बारे में कही थी कि मैंने तेरे भाई मीरा को खो दिया। वास्तव में जब मैं चिंतन करता हूँ तो वास्तव में वे मीरा थी, वे मेरे साई ईमानदार और परिवार के व्यक्ति थे, और सही संबंधियों और घर में माता पिता भाई बहन सबों को लेकर चलते थे, और उनके दर्शन से ही मैंने ये विश्व समाज में प्रवेश किया, और आज कोविड के रूप में आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब हम आज नामों से नहीं तब उनके समय रचना करें ताकि हम परिश्रम बलिदान को योग्य रीति से करवा सकें। भाइयों बहनों, मैं सर्वसम्मानित परमगुरु के नाम में स्वीकार करता हूँ और अपना कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से अपने कसूर से अपने हमारे कसूर से वो पार किया है, जिससे मिलने हमारे जगह मेरे से तैयार करें और हमारे पाप से पाक अनुपान जीवन प्रदान करें।
के प्रत्युत्पन्न काम से हमारी मुक्ति हुई है। अपने से रक्त का विश्व परीक्षा पॉलिथिन पर वे हमारे पुनर्काम के रहस्य पर विश्वास करते वे अपने दया पूर्व परमानंद के योग्य पर योगे बना दे। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु मसीह के चुकाया जाए। यह सब की वाणी है।
यीशु को यह पता चला कि लाजरस यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। प्रभु का सुसमाचार है। आदि मात्र के
लेकिन अब मृत्यु के इस मिलन और इस मिलन को अधिक उजागर करते हुए उसके वस्त्र और आशा और पुनरुत्थान और महिमा नाम का प्रयोग होने लगा है। तो इसमें यहाँ पर हम सबों को बुलाकर यही कह रहे हैं, यही सम्मान दे रहे हैं, यही कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। यानी मृतक के नाम समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाने और मृतक के सम्मान में धन्यवाद समारोह मनाने का अवसर है। इसलिए जिनकी ताकत है वे कमी के लिए निमंत्रण पत्र भेजते हैं, लेकिन कोई कोई कारण दफन के दिन की सीमित साथ के कमी की रस्में पूरी कर देते हैं। आजकल कमी की ममता और लोकप्रियता आदिवासियों में आजकल कार्तिकों में बढ़ती जा रही है और कमी हिस्सा की मांग बढ़ती जा रही है जो कि हम आज कर रहे हैं। तो जो ग्रामीण जरूरी है तो इसमें चाहे भाइयों में पढ़ों आज हम पायलट और स्कूबर के नाम पर यहाँ पर जमा हुए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज हम इन दोनों आत्माओं को विशेष रूप से याद करें, उनके लिए हम प्रार्थना करें, ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति दे। जरूर वे आज स्वयं में दोनों संतों और सुखों के साथ हैं, उनके स्वयं हैं, लेकिन आज हम विशेष रूप से हम उनको याद करें, उनके लिए हम प्रार्थना करें, परिवार उनके परिवार और उनके लिए प्रार्थना करें, उनके सदस्य के प्रार्थना करें, ताकि ये सच्चाई है, वृद्ध सच्चाई है, उसको स्वीकार कर सकें और विश्वास कर सकें। प्रदेश के सभी पंडितों की प्रार्थना करें कि वे सभी प्रार्थना
पर जो हम तुझे तेरे कर्तव्य तथा कल्याण के अनुसार सदा करते प्रभु प्रेस के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने स्वयं मरना स्वीकार किया कि हम सबको मरना नहीं पड़े, इतना भी नहीं तरस खाकर सबकी जगह अकेले बढ़ना स्वीकार किया कि सबके सब तेरे सम्मुख सदा सर्वदा जीवित रहे। इसलिए हम असंख्य सरदूतों से मिलकर बड़े आनंद से तेरा प्रतिक्रमण करते हैं। Thank you.
नंबर ऑफ फिल्म का हाईलाइट सुधीर, इनको तुमने इस लोग से अपने यहाँ बुला लिया है। तुम्हें यह हुआ कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे भाई बहनों की भी सुखी है कि पुनरुत्थान की आशा में प्रमुख सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृत्यु को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर जाने किया कि हम वे सहभागी बने और विश्व की माता कृष्ण कुमारी मरियम प्रेरित हैं और सब संतु के साथ जो विश्व के लिए विश्व प्रेम की उपाय बने रहे तेरे अच्छी की याद कर सकें तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। सदा के साथ हो। हमारे
छुट्टी का समय है, पवित्र समय है और इस परम प्रसाद को सिर्फ जो कैथोलिक क्रिश्चियन लोग, सब क्रिश्चियन लोग नहीं, सब ईसाई लोग नहीं, सिर्फ कैथोलिक हम ईसाई लोग सिर्फ इसको ले सकते हैं जो भी इसके लिए तैयार किया है। तो बाकी जो हमारा अन्य भाई बहन है यदि कोई है आशीर्वाद।
करके आपके साथ संतों की करना है, उनको इस हमारे फैमिली में स्वागत करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे प्रभु तथा यीशु समाज दस रांची को भी रांची को भी अभी गुम्मा में और ये हमारे विश्व तथा चले जाएंगे, तो मैं पूरे हमारे सेल ग्रुप फैमिली के तरफ से उनके स्वागत करता हूँ। उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा तरीका आपको धन्यवाद यहाँ आने के लिए और दिशा में सावधानी के लिए और देश के लिए और हम लोग पूरे तालियाँ आपके आपके परिवार के साथ हैं उसके समय में और उसके आसान करेंगे स्वतंत्र और ओके फादर मुकेश जोगी जी शायद फादर उस समय भी थे ना कितने साल के अंदर फादर आए थे और फादर अभी जरापू जरापू खंडिका नगर वहाँ जरापू बहुत अच्छा जगह है अभी काफ़ी यहाँ देखते बहुत अच्छा जगह तो वहाँ से है वहाँ वहाँ पानी पॉइंट है और वे साथी है तो इस वेन्यू भतीजा भतीजा है और फैमिली वहाँ से लिया से आए हैं उनके लिए पूरे हम लोग फैमिली का तरफ से मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने एक दूसरा चढ़ाया अपने साथी को भी और Yeah.
श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं, हम एक लाइन में आइए ताकि एक तस्वीर पर आपको श्रद्धांजलि दिए, उसके बाद मुझे वरना फिर एक लाइन से आइए एक तरफ। श्रद्धांजलि देने वाले एक लाइन से घर से आएंगे और इधर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार के लोग उधर उधर बैठे हुए हैं, परिवार से बहुत कोई आज नहीं मिले होंगे तो वो लोग परिवार से Thank you.
Yeah.
कृष्ण ध्यान देंगे कि खाना लग चुका है और दूर दूर से आए हुए मेहमान अगर जल्दी जाना चाहते हैं तो खाना खाएंगे, खाना रेडी है। इधर साइड में किस वाले बोलेंगे खाना लगा हुआ है, आप लोग खाना खा सकते हैं।